नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम माध्यमिक कक्षा 9 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1, उसके काव्यखंड का अध्याय 13 सुमित्रानंदन पंथ, जिनके द्वारा रचित रचना है ग्रामश्री। यानी ग्रामश्री मतलब गांव का इसमें वर्णन किया गया है, गांव की जो प्राकृतिक छटा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो सबसे पहले जो कवि परिचय है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। अब अल्मोड़ा जो है ना, वहां के कोसानी गांव जो है, वहां पे का जो सौंदर्य है बहुत ज्यादा है, अच्छा है। स्विट्जरलैंड की संज्ञा इसमें कोसानी को दी गई है। तो अल्मोड़ा के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। अब सुमित्रानंदन जो पंत है, इनकी जो शिक्षा है वो बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से प्रभावित होकर या महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। अब देखिए, अब इनका जो जन्म है वो 1900 में हुआ है और हमारा जो देश है वो 1947 में आजाद हुआ। तो इसलिए उस समय महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज जो है वो छोड़ दिया और छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंद पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। अब इनका जो काव्य है, जब काव्य रचना प्रारंभ करने इन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो 1916 से लेकर 1977 तक है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। अब देखिए, 70 वर्ष की उम्र में इनका देहावसान हो गया, देहांत हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। अब देखिए कि ये जो है, जो अपने रचनाकार के जो विभिन्न चरण हैं उनमें छायावाद, ठीक है, प्रगतिवाद एवं अरविंदवाद जो है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो वीणा, ग्रंथी, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं, उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा, जो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, वो जो पुरस्कार मिले वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सोवियत लैंड जो नेहरू पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया इनको। और जो पंत की कविता है उसमें प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। अब क्योंकि सुमित्रानंद पंत जी जो है प्रकृति के बहुत अधिक निकट रहे हैं, तो इसी कारण से इन्होंने, पंत जी ने अपनी जो कविता है उसमें प्रकृति और जो मनुष्य है उसके अंतरंग संबंध, यानी कि किस प्रकार से मनुष्य वो संबंधित है, उसका वर्णन इसमें किया है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा में समृद्ध किया। अब उन्होंने जो आधुनिक हिंदी है, आधुनिक हिंदी कविता को, यानी कि कविता जो आधुनिक समय में जो लिखी जा रही है, तो उसको एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति से सुशोभित किया है, समृद्ध किया है काव्य भाषा के रूप में। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण इन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। अब देखिए किस प्रकार से भावों की अभिव्यक्ति की है इन्होंने और उसके लिए सटीक जो शब्द है, तो उनका जो इन्होंने किस प्रकार से चयन किया है, तो इसके कारण से इन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। तो जो आज हमारे पाठ्यक्रम में संकलित इनकी रचना है ग्रामश्री, यानी कि श्री मतलब लक्ष्मी के लिए कहा गया है, ठीक है ना, जो शुभ करने वाली है तो उसको श्री कहा गया है। तो इसमें जो ग्रामश्री कविता है तो उसमें पंत ने गांव की जो प्राकृतिक सूक्ष्मा है, जो समृद्धि है, तो उसका मनोहारी वर्णन किया है। तो खेतों में दूर तक फैली जो लहलहाती फसलें हैं और फसल है, जो फल है, फूल है, तो उनसे लदे हुए जो पेड़ है, तो उनकी जो डालियां हैं और उनकी जो साथ ही साथ गंगा की जो सुंदर जो रेती है, यानी कि रेत जो है, उसको भी जो कवि है रोमांचित हो जाता है देखकर।
तो ये सभी जो बातें हैं वो कवि को रोमांचित करती हैं, और उसी रोमांच की जो अभिव्यक्ति है वो कविता के माध्यम से कवि ने की है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इनके द्वारा जो रचित रचना है ग्रामश्री, उसके भाग एक का अध्ययन करते हैं हम। तो देखिए, इसमें फैले खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। अब देखिए किस प्रकार से कवि जो वर्णन कर रहा है, कवि कल्पना कर रहा है कि फसलें जो लहलहा रही हैं तो उसको किस प्रकार से लग रही हैं, तो मखमल के समान, क्योंकि अत्यंत मुलायम लग रही हैं। फैले खेतों में दूर तलक, कवि कहता है कि खेतों में दूर तक जो है वो मखमल के समान कोमल जो हरियाली है फैली हुई है। आपने भी देखा होगा कि जब खेतों के अंदर फसल लहलहाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मखमल का कोई बिस्तर जो बिछा दिया गया हो, मखमल की चद्दर बिछा दी गई हो, तो हिलती हुई हवा से ऊपर नीचे होती हुई तो बहुत ही आनंदित लगती है, अपनी ओर ध्यान हमारा आकर्षित करती है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदनी किसी उजली जाली। अब प्रातः काल के समय देखिए, जब ओस की बूंदें गिरी हुई हैं फसल के ऊपर, गेहूं की फसल है और उसके ऊपर जो है ओस गिरी हुई है, और उधर से जो सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय होने से जब सूर्य उदय हो रहा है और जो ओस की बूंदें फसल के ऊपर है, फसलों के ऊपर गिरी हुई है, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो चांदी की जाली बिछी हुई हो, तो चांदी की जाली के समान वो लग रही है और किरणें जो है उस पर गिर रही है और परावर्तित हो रही है। तो इस प्रकार से लगता है कि जैसे चांदी की जो उजली जाली है वो चारों फैला दी गई उसके ऊपर, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब जो तिनके हैं, जो हरे हरे तिनके जो घास है, तो प्रातः काल के समय आपने देखा होगा जो हरी घास है वो भी हिल रही है, और उसके ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे हरित रुधिर, हरित मतलब हरा, जो हरा रुधिर है ऐसे लगता है कि जैसे उसमें झलक रहा हो। अब हमारे अंदर तो जैसे रक्त जो है, रुधिर जो है वो कैसा है, लाल रंग का है, तो लाली लिए है, लेकिन इसमें हरित रुधिर, तो हरा जो खून है, जो रुधिर है, तो ऐसे लगता है कि जैसे तिनकों के माध्यम से उनके ऊपर हिल रहा हो, झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नम का चिर निर्मल नील फलक। अब देखो श्यामल, श्यामल कहा गया है हरी भरी, ठीक है ना, भू मतलब धरती, यानी कि हरी भरी जो धरती है उसके तल के ऊपर झुका हुआ है, कौन झुका हुआ है, देखिए नभ का चीर निर्मल नील फलक। नभ मतलब आसमान, आसमान का जो चीर है, जो वस्त्र है निर्मल स्वच्छ नील नीला, फलक मतलब उसका जो आंचल है, तो ऐसे लगता है कि जैसे आसमान का जो निर्मल स्वच्छ जो नीला आंचल है, इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे श्यामल हरी भरी भूमि के तल के ऊपर वह झुका हुआ है। अर्थात प्रातः काल के जब हम समय हम देखते हैं तो आसमान का रंग नीला है, लेकिन जब सूर्य उदय हो रहा है तो उसकी किरणें जो है ऐसे लगता है कि जैसे चांदी की किसी उजाला जो है वो फैला रही है, और साथ ही साथ जो तिनके हैं, जो घास है, तो उनके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे हरे जो है रुधिर बह रहा हो, और साथ ही साथ जो हरी भरी भूमि है उसके ऊपर नीला जो आसमान है, तो वह अपने स्वच्छ यानी कि निर्मल जो नीले वस्त्र हैं उनको लिए हुए वह फैला रहा है। तो इस भाग में यानी कविता का यह जो खंड है, इसके अंदर अगर अलंकार देखा जाए तो इसमें मैं क्या आवृत्ति हो रही है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, अब तय की आवृत्ति हो गई, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास के साथ साथ यहां पे पुनरुक्ति भी है। देखिए इसमें हरे हरे जो शब्द आए हैं, एक युक्ति बार बार कह दी गई है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, और साथ ही साथ इसमें मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया। अब कैसे, क्योंकि आसमान जो है उसको मानव रूप में बता दिया, और उसके निर्मल जो वस्त्र है तो वह बता दिया कि वो वस्त्र जो है फैला रहा है, जबकि आसमान जो है वो पुरुष नहीं है, कि मनुष्य नहीं है, लेकिन यहां पे मनुष्य के रूप में उसको अभिव्यक्त किया गया, तो यहां पे मानवीकरण अलंकार भी है। तो ये था हमारा सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया ग्रामश्री, जिसमें ग्रामीण जो परिवेश है, जो ग्राम की प्राकृतिक सुषमा है, जो सुंदरता है, फसलों की जो सुंदरता है, खेतों में लहलहाती हुई जो पेड़ पौधे जो है फलों से भरे हुए हैं, तो फल और फूलों की जो सुंदरता है उसका भी इसमें वर्णन किया गया है, जो कि हम आगे के भाग में अध्ययन करेंगे। तो आज हमने अध्ययन किया किस प्रकार से कवि जो है
फसल को देखता है और कवि जो फसल को देखते हुए वहां पे मखमली जो है, जो हरियाली है, जो कोमलता है मखमल के समान जो है, तो मखमल के वस्त्र के समान उसका अनुभव करता है। और साथ ही साथ सूर्य जो है किस प्रकार से जो फसल है उसको आकर्षक बना देता है, जिससे कि हर किसी का जो ध्यान है उस ओर आकर्षित होता है। और साथ ही साथ आसमान जो है वो प्रकृति की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो आसमान भी अपने नीले जो वस्त्र है उनको फैलाकर जो भूतल की, धरती की जो हरियाली है उसको और भी सुशोभित कर देता है। तो ये था हमारा भाग एक, सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया। आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।